अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह की रहमत आप पे और हम पे हमेशा कायम रहे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा आज का टॉपिक है हेलो, जो हम अपने फ़ोन करते हुए या सुनते हुए अमूमन इस्तेमाल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये लफ्ज़ हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, ये हमें अंग्रेज़ ने दिया है। सुनते हैं कि हमें बोलते हुए हम कैसे लगते हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा, तू नहीं रे। हेलो 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 जी, कौन? हेलो 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 हेलो। जी जनाब, क्या हमारा कोई कल्चर है? क्या हमारी कोई सकाफत है? या हम सिर्फ गोरों की छोटी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, जबकि पूरी दुनिया में हर कल्चर का अपना एक नाम है, उसकी पहचान है। और हम 100 सालों से अंग्रेज़ चला गया, लेकिन हमारी सोच वहीं की वहीं रही। देखें कि हर कल्चर में क्या होता है। हाय, बारेव, नमस्कार, हे, शालोम, बॉक, zdravo, 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 namaste, marhaban, salut, mon amour, sveiki, sia, egisekete, hallo, salam, aloha, salam, salam, hallo, annyeong, selamat tengahari. Cristiano! Hola! Salve! Sveiki! Cześć, kurwa! Hujambo! Ni hao! Hola! Yasumalaka! Merhaba! Seavas! Salam aleikum! Hello, hello! Buenos días! Konnichiwa! Salam! Salu! Привет, шалом, нихао. Гутен таг, здраво, сия. Привет, баре, чао, чао. Stop saying hello. So why is hello used? जी व्यूअर्स, आप इस व्लॉग का मकसद तो समझ गए होंगे। तो क्या ख्याल है, फिर आज से हेलो नहीं बोलेंगे, जी बोलेंगे या अस्सलाम वालेकुम बोलेंगे? बहुत प्यारे लफ्ज़ हैं, जी या अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन उठाते ही बोलेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम, या एक लफ्ज़ बोलें या दोनों बोल दें। देखें ये कितने प्यारे लफ्ज़ हैं और ज़िंदगी चेंज हो गई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम।